गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वर्ल्ड, मैं हूं राहुल ठाकुर और आज मैं एक नई ट्रैक पे जा रहा हूं जिसका नाम है कुगती पास। और हम खनी से चले हैं, खनी से होते हुए बाया भरमौर और हम कुगती जाएंगे। चंबा और ये जो सामने गेट दिख रहा है, देखिए यहाँ से मणिमहेश के लिए जाते हैं, मणिमहेश कैलाश के लिए। यहाँ पे भरमौर से यहाँ पहुँच के हर सर 13 किलोमीटर और यहाँ से 13 किलोमीटर की फिर चढ़ाई की जाती है। तो हम यहाँ नहीं जाएंगे अभी क्योंकि हम जा रहे हैं कुगती, तो ये दूसरा रास्ता है। हम यहाँ से नीचे जाएंगे, अब यहाँ से हम धरौल के लिए निकलेंगे जो कि तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर है। तो ओके गाइस, देखते रहिए व्यू। लेके जाया जाता है तो मैं आपको यहाँ से ना जाने का के लिए कहूँगा क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता। ये देखिए, ये जो सामने दिख रहा है जो पहाड़ है, यहाँ से भी पीछे जाके तब और ऊपर चढ़ना पड़ता है। 13 किलोमीटर जाओगे तो आप मणिमहेश कैलाश पहुँचोगे। तो अब हम निकले हैं कुगती के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुगती, और कुगती तहसील भरमौर का एक लास्ट गाँव है, इसके बाद और कोई गांव नहीं है। डिस्ट्रिक्ट चंबा तहसील भरमौर का लास्ट गांव है कुगती। उसके बाद हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं जो है लाहौल स्पीति। तो पुराने जो हमारे लोग थे जो भेड़ बकरियां चराते थे, वो आज भी इस रास्ते का यूज़ करते हैं और यहाँ से होके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। ये फाइनली वो रास्ता है जहाँ से कुगती के लिए टर्न करेंगे हम। ये देखिए, यहाँ से राइट मुड़ेंगे हम जो सीधा कुगती के लिए जाएगा, और ये सामने दूसरे बलमुई दूसरा एक और गांव है वहाँ के लिए जाएगा। तो फाइनली हम कुगती के रास्ते पे हैं। ये देखिए, हम सही रास्ते जा रहे हैं। तो आप यहाँ से देखते रहिए, जा रहे हैं हम अभी कुगती के रास्ते से। पूरा ये कवर करने बोल रहे हैं अपना बैग दे जाओ, हमारा बैग ले जाओ बच्चे हमारे। देख सकते हैं आप कुगती गाँव, कुगती गाँव झिकली कुगती बोलते हैं उसको, निचली कुगती। क्या नज़ारा है, अद्भुत दृश्य।
कुगती गांव में पहुंच चुके हैं हम। देखिए चलो कुछ गाना रहे कुछ गाना है लेटेस्ट नो नेम कैफे नो नेम कर दे चो अग आ कर दे देख सकते हैं आप अद्भुत नजारा कुगती गांव का। ये पुराना पुल जो अब क्षतिग्रस्त हो चुका है जय शिवा गाँव पहुंच चुके हैं और इस गांव की एक विशेषता ये है, ये देखिए कि यहाँ पे आपको सारे घर लकड़ी से बने हुए मिलेंगे। तो ये निचली कुगती है और अभी हम ऊपली कुगती के लिए जा रहे हैं, आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। और वो देखिए ये ऊपली कुगती दिख रही है, तो चलिए चलते हैं, आज हम यहाँ तक ही हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सो डे टू इन कुगती वैली। सो हमने रात को यहीं पे होम स्टे किया था, अब जा रहे हैं हम दूसरे दिन कुगती पास की तरफ। तो उससे पहले कार्तिक स्वामी का मंदिर आएगा, हम कार्तिक स्वामी के मंदिर होते हुए फिर कुगती पास की तरफ बढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इस मंदिर से आके नीचे दो रास्ते मिलेंगे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो आपको ऊपर वाला रास्ता चूज़ करना है, नीचे वाला रास्ता कहीं दूसरी तरफ जाता है। सो चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी हम, तकरीबन यहाँ से एक घंटा लगेगा हमें मंदिर पहुँचने में। और उसके बाद हम आधे रास्ते तक पहुंचेंगे, वहाँ पे तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, फिर भी हम पास पे नहीं पहुंच पाएंगे।
ये इन लोगों के खेत हैं कुगती वासियों के, जो यहाँ पे मेनली आलू और राजमा उगाए जाते हैं। इनके आलू और राजमा बहुत टेस्टी होते हैं। चलो हम जा रहे हैं ऊपर, जाके आपको दिखाएंगे वहाँ से। ये टेंट इसलिए बनाया गया कि जो गद्दी आते हैं वो अपने पशु यहाँ पे रोकते हैं, और उनके रहने के लिए ये जगह है। पीने का पानी, मेरे आप देख सकते हैं। ये देखिए वो जो ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पे, कार्तिक स्वामी, ये कार्तिक स्वामी का मंदिर है। और हमें अभी बहुत आगे जाना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी समय लगेगा। देखिए ये रहा वो मंदिर, और यहाँ पे ये माता का मंदिर, माना जाता है कि नराली माता का मंदिर है ये। तो अभी हम रास्ते में हैं, बढ़ रहे हैं आगे, और आपको ऊपर जाके नीचे का व्यू दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ टापू सा दिखाई दे रहा है, ये नराली माता मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ पुजारी जाता है, कोई नहीं। अद्भुत नजारा, ओ शिवा।
और फाइनली हम पहुंच गए हैं ये कार्तिक स्वामी के मंदिर में। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है और हमने अपना दूसरा पड़ाव पूरा कर लिया है और अब धीरे धीरे हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे जो कि कुग्ति पास है। तो आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वो देखिए वो जहाँ पे एक पानी है, नेचुरल पानी है बह रहा है वहाँ पे, और उसका रंग लाल है। ये पानी आयरन की कमी को पूरा करता है और उससे होने वाली छोटी मोटी बीमारियों को दूर करता है। आइए आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। चीज़ देखने को मिलेगी वहाँ पे कि जहाँ पे वो पानी नीचे जिस सरफेस पे पड़ रहा है वहाँ का रंग ऑटोमेटिकली लाल हो चुका है घिर घिर। चलो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस पानी करा है वहाँ का रंग हल्का हल्का लाल हो चुका है। इस पानी की विशेषता ये है कि ये आयरन की कमी से होने वाले रोगों को ख़त्म करता है। और ये ऊपर मंदिर है, हम अभी जा रहे हैं बस। फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये पानी के अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं कैमरा अंदर नहीं लेके जा सकता। और वहाँ ऊपर माता मराली का मंदिर है, हम यहाँ से अब वहाँ के लिए जाएंगे। तो ये है कार्तिक स्वामी का मंदिर। बाया कुग्ति होके हम वहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम माता मराली की तरफ जा रहे हैं। तो ये है माता मराली, यहाँ से होके हम कुग्ति पास की तरफ निकलेंगे। डुग्गी बाया लैस होते हुए सीधा ऊपर जाएंगे। उनका जो मेन स्थान है वो यहाँ पे है और उनको यहाँ से ही पूजा करते हैं इनकी। मना धूप बना दो। मंदिर के पीछे भी वही, सो फाइनली हम यहाँ से अब कुग्ति पास की तरफ जा रहे हैं। तो ये वही रास्ता है जो सीधा कुग्ति पास में जाके मिलेगा और हम एक दिन में नहीं पहुँच पाएंगे। पड़ाव पहला अगला पड़ाव हमारा लैस जगह है जहाँ पे जो
कुगति लोग हैं जो जिन्होंने जो अपनी भेड़ बकरियां यहां से लेके जाते हैं, उन लोगों ने अपने रहने के लिए पत्थरों के बीच में जगह बनाई होती है। तो आज हो सकता है हम वहां तक ही पहुंचे। फिलहाल हमने कार्तिक स्वामी के टेंपल से ऊपर जाने का सोचा है, तो ठीक है अभी हम जाते हैं, बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे। ये देखिए सामने पहाड़, बर्फ जम चुकी है, पानी पानी के नाले ही जम चुके हैं, नीचे से पानी निकल रहा है, फिर भी बताया था कि कुगती विलेज डिस्ट्रिक्ट चंबा तहसील भरमौर हिमाचल प्रदेश का एक लास्ट गांव है। इसके बाद कोई भी गांव नहीं, आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे सब ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़ के आगे कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पे आके दुनिया रुक सी जा रही है, ऐसे ऐसे एक प्रतीत हो रहा है। लेकिन यहां से आगे चढ़ के हम मिलेंगे लाहौल स्पीति में, तो यही है। खड़ी लंबी चली गई हेरा। तकरीबन इस पहाड़ के नजदीक पहुंच गए हम, ये टर्निंग पॉइंट है, यहां से फिर ऊपर चढ़ते हैं कुगती पास के लिए। तो हो सकता है मैं आपको थोड़ी वीडियो ना दिखा पाऊँ बीच की, क्योंकि बैटरी डेड होने वाली है और ये भी हो सकता है स्विच ऑफ हो जाए फ़ोन। तो इस जगह को डुग्गी बोलते हैं वैसे, तो वहाँ पे देखिए हमारे कुछ साथी पहले से टेंट लगा के बैठे हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, बस दिखेगा नहीं आपको। हम फिलहाल यहाँ तक जा रहे हैं और यहाँ से फिर ऊपर की ओर चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर टेंट लगे हैं और हम तकरीबन इस पहाड़ी के करीब पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हम इस साइड अंदर जाएंगे, जहाँ ये जगह दिख रही है बर्फ से ढके हुए पहाड़, यहाँ से होते हुए अंदर जाएंगे। और यहाँ को देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आगे सब कुछ बंद है, दुनिया कोई कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, चाय चाह ना पींदे भाई ना हम भी चिंदे आई है।
ये देखिए पुल, जाने का रास्ता नहीं है तो हाँ वो खींच कर हाय भाई सामने एवलॉन ग्लेशियर्स जो ऊपर से पिघल के आते हैं अपने आप एवलॉन चीज और दौड़ दे चले यार अब वहाँ पे दो भालू हैं, अभी अभी हम भाग के आए हैं, अगर नहीं आते तो मुश्किल हो जाता। ऊपर की तरफ वो जा रहे हैं, वो रहे शिट मैन। ओह स्वीटी कहाँ चल, ओ इसको बुला ले। ओ शिट मैन, लुक 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 देयर, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं दो दो भालू, वहाँ तो ऊपर उठती उठती मिलित की है बच्चा। स्वीटी शेट ब्रो, वो देखिए कैसे भाग रहे हैं, दो ही है ना, दो हैं दो हैं, ध्यान से देखो। कोई यहाँ पे भी हो सकता है पीछे है? यहाँ पे भी हो सकता है क्या? वो पीछे जा रहे हैं, शेट नहीं वो जा रहे हैं, वो देखो देखो
और ना हो, और भी हो सकते हैं भाई, वो देख बंदूक भी नहीं है हमारे पास, वो जा रहे हैं, देख 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 वो देख, दिख रहा है यहाँ से, ओह शिट मैन, वो देखो देखो देखो, क्या है